ओ साहब भैया ये अतिशय क्यों जाते हो महावीर जी, जो मांगो वो मिलता है, बड़े बाबा ने बुलाया है, समझ में आया। अरे साहब तिजारा जो हर महीने जाता है इनके, बहुत देखो बहुत करोड़पति आदमी बन गए जब से तिजारा जा रहे हैं, ये जब से मोक्षु बन गया गुरुदेव वालों में भी अतिशय है, उनको गुरुदेव का ही अतिशय है। बोले साहब हम तो जब से गुरुदेव के उसमें आए पैसा बढ़ता ही जा रहा है। कई लोग सोचते हैं मोक्षु बन जाओ तो पैसा बढ़ता है, मोक्षु बन जाओ तो पैसा बढ़ता नहीं है, समझ बढ़ती है, व्यर्थ के खर्च बंद हो जाते हैं, न्याय नीति आ जाती है। गुरुदेव के कारण कोई गुरुदेव को मानने से कुछ नहीं होता है, तो न्याय नीति आ गई, समझ आ गई, छल कपट बेईमानी छोड़ी तो उससे पुण्य का बंद हुआ, तो पुण्य का उदय आया तो दो पैसे ज़्यादा बच गए, और क्या है ख्याल में। और जो मोमोक्षु बन के भी छल कपट मायाचार नहीं छोड़ते सो वे काय के मोमोक्षु हैं। नामधारी जैनी कुछ काम के नहीं, ऐसे ही नामधारी मोक्षु कुछ काम के नहीं। सच्चा मोक्षु वही है जो ईमानदार हो, न्याय नीति से जीता हो। लोग इसकी बात नहीं करते, अवक्ष पे आ जाएंगे, जमीकंद पे आ जाएंगे। आपको पता है तीन चीज़ें लिखी, अन्याय अनीति अवक्ष। अवक्ष पहले नंबर पे कि तीसरे पे? तीसरे पे है कि पहले पे? अन्याय अनीति अवक्ष। अवक्ष अनीति अन्याय तो नहीं है, तो तीसरे पे क्यों है? कभी सोचा? सबके कारण होते हैं, ऐसे ही नहीं है। पहले अन्याय छोड़ो, अनीति छोड़ो, और फिर अवक्ष का नंबर है। लोग अवक्ष खाते नहीं और भाई का धन हड़पने में लगे, बेईमानी से पैसा कमाने में लगे, दो रुपए की चीज़ 15 रुपए में बेच रहे हैं, गरीब को चूसने में लगे हैं। ऐसा करने वाला ब्याज के पैसे खा रहे हैं, 2 रुपए की परसेंट का 5% ले रहे हैं, 10% ले रहे हैं बेचारे, उसकी ज़मीनें बिकी जा रही, उसकी ज़मीन हड़पने की सोच रहे। और सुनो बाबूजी जमीकंद नहीं खाते, बाबूजी पानी छान कर पीते हैं। आ गई रमेश जी समझ में? पानी पिए छान छान और जीव मारे जान जान है कि नहीं? सो ऐसा न्याय नहीं है जैन धर्म में। जैन धर्म कहता है पहले बड़ा पाप छोड़ो, फिर छोटे छोटे पापों की बाद में बात करेंगे। पता है जैन धर्म कैसा है? जैन धर्म कहता है अनंत निगोदिया जीव मरते हो, एक इंद्री जीव मरते हो हजारों लाख हो, और दो इंद्री बचता हो एक, तो दो इंद्री को बचाना उसको छोड़ देना। दो इंद्री हजारों मरते हो और तीन इंद्री बचता हो तो तीन इंद्री बचाना उसको छोड़ देना। हजारों तीन इंद्री मरते हो और चार इंद्री बचता हो तो पहले चार इंद्री को बचाना। लाखों चार इंद्री मरते हो और पंच इंद्री बचता हो तो पंच इंद्री को बचाना। और सुनो लाखों असंगी पंच इंद्री मर दो, संगी पंच इंद्री बचाना। बोलो जे क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि भाई जो संगी पंचेंद्री जीव है वो बहुत कीमत का है, वो बहुत कीमती है, वो सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर सकता है, वो संसार का नाश कर सकता है, इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना। लेकिन अपन उल्टे हैं, एक इंद्री को बचाते फिर रहे, और संगी के साथ हमारा व्यवहार ऐसा है, ऐसी कसाय है कि उसके साथ ऐसे वचन बोल दिए, ऐसा व्यवहार बोल दिया कि उसने आत्महत्या कर ली, अथवा उसका इतना पैसा लूट लिया कि बेचारा मरने की स्थिति में पहुंच गया, अथवा इतनी गरीब है कि आर्तरोध ध्यान में जी रहा है और तुम उसकी मदद नहीं करोगे, तुम मंदिर में जाके दान दोगे। हमारे आप लोग अपने अपने घर में देखना, घर में माने चारों तरफ नज़र घुमा के देखना, आपके कई रिश्तेदार होंगे जो बेचारे बहुत गरीब होंगे, बहुत परेशान होंगे, एक एक कौड़ी के लिए मोहताज होंगे। तुम उन पर कभी ध्यान नहीं दोगे, उन्हें कभी 5,000 रुपये नहीं दोगे, और मंदिर में आके 1,00,000 रुपये दे दोगे, तो जो तुम न्यायवान कहाँ हुए? मंदिर को ज़्यादा ज़रूरत है ये ईंट चूना पत्थर को, क्या उसको ज़रूरत है बेचारा जो जीव है? ऐसे लोग अपने सगे माँ बाप को परेशान करते हैं, माँ बाप को क्या कह रहा हूँ बाबूजी, माँ बाप को, और मंदिर में 1,00,000 रुपये दान देते हैं। अपनी बहन है
अपन ने शादी कर दी, बेचारी गरीब है, नहीं पनप पा रही, परेशान है, उसको वो भाई एक रुपया देने को तैयार नहीं है और मंदिर में लाखों की बोली ले रहा है। ये अन्याय है सब, और जे अन्याय है तो तुम्हारा अवक्ष छोड़ना दो कौड़ी का है।